साबूदाने के ये पापड़ एकदम बढ़िया क्रिस्पी तलकर तैयार हुए हैं और खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। नमस्कार, मैं प्रीति पूजा, कुकिंग विद प्रीति पूजा में आपका स्वागत है। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप साबूदाना ले लिया है। मार्केट में साबूदाने 3 साइज़ के आते हैं, पर इसे बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज़ के साबूदाने लिए हैं। मीडियम या स्मॉल साइज़ वाले साबूदाने जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इस रेसिपी के लिए इनका ही इस्तेमाल करें। इन्हें 2-3 बार पानी बदलते हुए धो लेंगे। और अब इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, तो अब जिस कप से हमने साबूदाना लिया था उससे ही 1 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है। इसे हमें रात भर या फिर कम से कम 2-3 घंटों के लिए भिगा लेना है। और अब ये अच्छी तरह से भीग चुके हैं, इसे उंगलियों के बीच दबाओ तो आसानी से दब जा रहे हैं। अब इसमें नमक ऐड कर देते हैं। ज़्यादा नमक ना डालें, क्योंकि अगर कम नमक हुआ तो ऊपर से भी स्प्रिंकल करके खाया जा सकता है। अगर व्रत वाले पापड़ बनाना हो तो व्रत वाला नमक यानी कि सेंधा नमक ऐड करें। दूसरा और कोई भी मसाला इसमें नहीं ऐड करेंगे। आज हम इन पापड़ों को स्टीम पर पकाएंगे। 2 तरीकों से आज मैं इसे आपको स्टीम पर पकाकर बताने वाली हूँ। और अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो पहले तरीके के लिए मैंने यहाँ पर कुछ कांच की चूड़ियों को धोकर ले लिया है। अब एक प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, इसमें चूड़ियों को सेट कर देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाए। और अब भिगाए हुए साबूदानों की एक लेयर सारी चूड़ियों पर लगा देंगे। अगर आप इस रेसिपी को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो मेरे पेज कुकिंग विद प्रीति पूजा को फॉलो भी ज़रूर कर ले। तो यहाँ पर मेरी एक थाली तैयार हो चुकी है, अब दूसरी वाली भी सेम तरीके से ही सेट कर लेंगे। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें। इन्हें स्टीम करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में पानी उबलने डाल दिया है। ढक देंगे ताकि इसमें जल्दी से उबाल आने लग जाए। और अब पानी में उबाल आने लग गया है, फ्लेम को लो कर लेते हैं ताकि स्टीम से हाथ ना जले। अब दोनों प्लेटें मैंने एक एक करके कढ़ाई के अंदर सेट कर दी है। ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर इसे 10 से 12 मिनट तक पकने देंगे। और अब 10 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर देख लेते हैं, सारे साबूदानों का कलर चेंज हो चुका है। जब हमने इन्हें डाला था तब ये वाइट थे, पर अब पकने के बाद ये ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इन्हें कढ़ाई में से निकाल कर ठंडा होने छोड़ देंगे। और अब ये ठंडे हो चुके हैं, तो पहले मैंने चाकू की हेल्प से इनके किनारों को चूड़ी से काट कर अलग कर लिया है। आप इस रेसिपी को कहाँ से यानी कि कौन सी जगह से देख रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मुझे ये जानकर खुशी होती है कि आप मेरे साथ कहाँ से कनेक्ट हुए हैं। और अब स्पून के हैंडल की हेल्प से प्लेट से निकाल लेंगे। मैंने इन्हें प्लास्टिक शीट पर रख दिया है, जिसे मैंने मेरी चॉपिंग बोर्ड पर चिपका दिया है। ऐसा करने से इसे धूप में रखना थोड़ा आसान हो जाता है। आप किसी भी प्लेट या थाली को भी ऑयल से ग्रीस करके उसके ऊपर भी रख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे सारे पापड़ मैंने प्लास्टिक शीट पर सेट कर दी हैं, अब इसे धूप में सुखा देंगे। अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने इडली स्टैंड का इस्तेमाल किया है। इडली स्टैंड को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब इसके अंदर साबूदानों की एक लेयर लगा देते हैं, कढ़ाई में सेट कर देंगे। ढक कर 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। और अब 10 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर देख लेते हैं, सारे साबूदाने पक चुके हैं, ये ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ करके इन्हें निकाल देंगे, ठंडा होने देते हैं। और अब ये ठंडे हो चुके हैं, स्पून की हेल्प से इन्हें मैंने निकाल लिया है। अब इन्हें प्लास्टिक शीट पर रख देते हैं। इसी तरह से मैंने सारे पापड़ इडली स्टैंड से निकालकर प्लास्टिक शीट पर सेट कर दिए हैं। इन्हें धूप में सुखा लेंगे। एक दिन की धूप लग जाए
तो प्लास्टिक शीट से उखाड़ते हुए पलट दें और फिर दो दिन की ही और धूप लगने के बाद ये तलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप इनकी आवाज़ से ही समझ सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से सूखे हैं। अच्छी तरह से सूखने के बाद आप इन्हें किसी भी एयरटाइट डब्बे में डालकर रख लें। ये पूरे साल भर तक खराब नहीं होते, जब भी खाना हो तब तलकर तैयार कर लें। अब इन्हें मैं आपको तलकर भी दिखा देती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी तलकर ये तैयार होते हैं। इन्हें तलते वक्त ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए और फ्लेम को भी हाई कर लें। बहुत ही स्वादिष्ट साबूदाने के पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको दोनों में से कौन सा तरीका पसंद आया। आप भी इस तरह से साबूदाने के पापड़ बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएंगे। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।